विजय मैसी जी, आपको लेकर आना चाहूंगी। सुरेंद्र राजपूत ने जो बातें कही है उस पर जवाब दीजिए आप, उनकी कुछ बातें तो महत्वपूर्ण है ना। देखिए, वो ऐसे पार्टी का नेतृत्व करते हैं जिनके नेता जाके सबसे पहले इस देश की संरचना, इस देश का जो मूलभूत स्वरूप है कि वो हम एक नेशन है, एज अ नेशन थ्योरी को ही नकार देते हैं। वो कहते हैं कि भारत तो देश है ही नहीं नहीं। है, आपको नहीं, जान आप आपने बीच यूनियन बोला, नहीं, मैं बीच आप में मैं कब नहीं बोल रहा, आप मैं कब क्षमा बोले के आप साथ कब एक बोले बात नहीं, खाली मैं भी कर रहा क्षमा हूं। के साथ आप बोलती हूँ। संविधान पढ़ उसके लीजिए, बाद उसके बाद संविधान में ऐसे लिखा नेता है है कि यूनियन ऑफ जो स्टेट है, बालाकोट और ना स्ट्राइक पे आपको समझ सेना में पे आए सवाल तो उठाते चित्रा हैं, त्रिपाठी जी से पूछ लीजिए। तब भारत पे कोई किसी तरह की परेशानी, शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता। जब कश्मीर में जेनोसाइड होता है हिंदुओं का तो शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता। जब इमरजेंसी लगा के भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं तब बिल्कुल भारत शर्मिंदा नहीं होता। जब जब 1986 में सिखों का जेनोसाइड होता है तो भारत शर्मिंदा नहीं होता। जब उसकी वकालत की जाती है तो भी शर्मिंदा नहीं होता। शर्मिंदा सिर्फ तब होता है जब भारत के इंटरनल मैटर्स में, अंदरूनी मामलों में बाहर का कोई देश अगर दखल देता है तो उसको तो बजाय इसके कि इसकी राजनीति छोड़ देश के साथ खड़ा हुआ जाए, लेकिन ये खड़े होते हैं उन सारे लोगों के साथ, उन सारे सड़तन से जुदा वाले लोगों के साथ जिनके लिए पार्टी का निर्णय कोई मायने नहीं रखता। जो प्रवक्ता है उसका माफीनामा कोई मायने नहीं रखता। जब तक धार्मिक भावनाएं नहीं, भड़काए तुम जाए मामला कैसे बाजा, मेरी समझ तब नहीं आ रही, तक कोई तुम बदला नहीं मामला होता। क्यों बाजा रहे हो। इन्होंने कहा कि वहां पे निपु शर्मा ने दंगे भड़काए और इस वजह से, आपने चित्रा जी एक बात नोटिस की, इन्होंने अभी जितने सारे प्रवक्ता और जो लोग ये भी लाओ कुर्सी, नुमाइंदे मैं थे आ रही वो हूँ, आ रही हूँ। बोल रहे थे, उन्होंने किसी ने भी दंगे की निंदा की क्या? ओवैसी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो ये चित्रा वही मुझे जो आई जो हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। ओवैसी यू रिस्पॉन्ड लेटर, आई मीन आफ्टर मी, नॉट नाउ। हाँ नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, ये ओवैसी जी जो हैं, जो दिल्ली दंगे को भी प्री प्लान जेनोसाइड बता रहे थे, ये अपने भाई की बात को क्यों नहीं, आपने सुना है कभी उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी के उस मामले में जहां पे उन्होंने माता कौशल्या पे एक गद्दी भद्दी टिप्पणी की थी और कहा था कि भाग्य लक्ष्मी एक हराम औरत है, ठीक ऐसी है। बातें करी थी उस पे? कभी भी उनके कोई भी वक्ता भी सुना उन्होंने कभी भी गिरफ्तारी की बात की? सुरेंद्र राजपूत आज जी, जो मैं आ रही हूँ बात आपके आपने पास राजेंद्र रशीदी, उसके दस पहले उसके बाद मैं दस राजू दास जी दस फौरन बार आपके से पास आऊंगी। देखिए राजू दास जी भी हमारे साथ जुड़े चित्रा होंगे फौरन में, आ रही हूँ सर चित्रा जी, आपके पास। मैं मैं इस ये कहना देश चाहता में हूँ कि आज जो सुरेंद्र राजपूत धार्मिक धार्मिकता परिषद के साथ अपमान जोड़ना चाह रहे अपमान हैं। क्यों है? ठीक हिंदुओं है का अपमान कोई मायने नहीं रखता। ठीक है ठीक है ठीक देखिए है, रशीदी मैं आ रही हूँ सुरेंद्र जी आपके चित्रा पास। जी सिर्फ इतना पांच कहना सेकंड दे चाहता दीजिए, हूँ कि जो लोग इसको अंतरिम पांच मामला सेकंड कह दे रहे हैं वो दीजिए। गलती कर रहे हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है, माँ आयशा की शान में गुस्ताखी है, और यहाँ का मुसलमान और आयशों का मुसलमान या अरब दुनिया का मुसलमान कोई अलग नहीं है। हम एक खुदा को मानते हैं, एक रसूल को मानते हैं, एक कुरान को मानते हैं। अगर माँ आयशा के बारे में कहा जाएगा तो अरब दुनिया में भी उसका असर होगा, यहाँ भी असर होगा। हम ओआईसी के साथ, हम ओआईसी के साथ इसके अलावा किसी मैटर पर नहीं है, लेकिन अगर ओआईसी माँ आयशा के बारे में बोलता है तो हिंदुस्तान का मुसलमान ओआईसी के साथ खड़ा मिलेगा आपको? क्यों नहीं मिलेगा? माँ आयशा की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, इसको अंतरिम मामला मत कहिए। अंतरिम मामला कहकर इसकी गंभीरता को कम करने की कोशिश की जा रही है। वो इस्लामिक मुल्क है, सिर्फ इस्लाम ही चलता है वहां पर, नहीं इस्लाम, वो सेकुलर का पार्ट वहां नबी के बारे है। में जो बात कही गई है, एक सेकेंड, अंतरिम मामला मत कहिए एक उसको। सेकेंड, सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप सबसे कम ज्यादा और ज्यादा को मुसलमान छोड़ दीजिए, सर? नहीं, मुसलमान प्लीज, चाहे एक हो, प्लीज सर, मुसलमान चाहे हजार हो या लाख करोड़ हो, वो एक ही, वो नबी को मानता है कि नहीं मानता तो है, कानपुर वो में माँ दंगे आयशा को भड़काने मानता की कि नहीं मानता है? वो साजिश तो नहीं रची जाएगी ना इसकी आड़ में? साजिश गलत है, साजिश को कौन मना कर कौन रहा है? लोग हैं, साजिश को हम मना नहीं कर रहे, किसके इशारे लेकिन पर काम कर ओआईसी रहे को थे, जो घेरने की किसके कोशिश इशारे की पर जा रही है काम इस कर बात रहे को थे? आप कह लेकर रहे थे सारे और इस मुसलमान मामले एक की हैं गंभीरता तो को, सारे उसमें भी इस मुसलमान मामले है की सारे गंभीरता चेहरे, को कम नहीं एक कर बार सकते आप? दिखाइए वो सारे चेहरे, ओआईसी ने जो एक बार कहा है दिखाइए ना सारे इस चेहरे, मामले की गंभीरता को दंगे समझिए। भड़काएंगे फिर इसकी आड़ में, ईरान दंगे कतर अवेश ने भड़काएंगे, जो ये कहा देखिए ये है, चेहरे, नहीं, बच्चों को छोड़िए इन चेहरे को, कैसे आप छोड़ जेल दें, में डालिए इनको। कैसे छोड़ दें उनको? नूपुर शर्मा को जेल में क्यों फिर नहीं वही डाला बात, गया? नूपुर शर्मा को जेल में क्यों नहीं डाला गया? नवीन जिंदर को जेल में क्यों नहीं डाला गया? असल मामला उनकी वजह से उन्होंने हुआ है। माफी मांगी उससे संतुष्ट नहीं जी है आप माफी लोग? कम मांगी है, माफी आज मांगी है, आज कहां मांगी है बयान माफी? कब दिया था, आज कहां मांगी है कब माफी? दिया था पहले बयान, ही मांगी है ना माफी? कल उनके मांगी, ये उनका परसों बयान मांगी गलत है, है,
जब उनको पार्टी से निकाल दिया गया, जब पार्टी से निकाल दिया गया तब मान लीजिए ना, उसके पहले जेल में क्यों नहीं डाला गया, उसको आज भी जेल में नहीं डाला गया और इनको जेल में डाल दिया गया, उनको छोड़ दिया जिनकी वजह से झगड़ा हुआ। नूपुर शर्मा असल कारण, असल कारण नूपुर शर्मा, असल कारण नूपुर शर्मा, असल कारण नूपुर शर्मा है कि नहीं, असल कारण नूपुर शर्मा है कि नहीं, आप बताइए आपको कैसे पता, असल कर्मा नहीं, असल कारण नूपुर शर्मा है कि नहीं, आप बता दीजिए। पीछे नूपुर शर्मा माँ आयशा के बारे में गलत नहीं बोलती तो ये झगड़ा नहीं होता, ये दंगा नहीं होता। जानकारी कैसे है कि कानपुर में जो दंगे भड़के, पुलिस के ऊपर जो पत्थरबाजी की गई, पेट्रोल बम जो फेंके गए हैं, उसके पीछे नूपुर शर्मा का बयान है, कैसे पता आपको? आप ही ने तो बताया अभी कि वहां पहले कॉल दी गई इकट्ठा होने के लिए, किसने दी? सारी टीवी रिपोर्ट कर रहे हैं उसको, जफर हाशमी जिसका नाम लिया जा रहा है कि उसने बाकायदा कॉल की, कॉल भी यही कहकर की ना कि माँ आयशा के बारे में गलत कहा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत कहा गया, यही तो कॉल थी, इसके अलावा कौन सी कॉल थी मुझे बताइए आप। इस बात का जिक्र कहां होता है? हर जगह, हर टीवी चैनल पे। इस बात का जिक्र कहां होता है? हर टीवी चैनल पे, हर टीवी चैनल पे इसका जिक्र हुआ है। उसका जो व्हाट्सएप चैट सामने आया है, हर टीवी चैनल ने, आपने पढ़ा है, हर टीवी चैनल ने इस बात को इंडोर्स किया है कि जफर हाशमी को, सुनिए, इवन जफर हाशमी के बारे में यह भी कहा गया कि डीजीपी से भी उसकी मुलाकात हुई, डीजीपी ने उसको कहा कि भाई ऐसा मत कीजिए, जफर हाशमी ने अपनी कॉल को वापस लिया। हाँ। ये भी हमने सुना, उनकी बीवी ने कहा टीवी पर आकर, उनकी बहन ने कहा, लेकिन कॉल जो है माँ आयशा के बारे में थी, एमआईएम का जो जावेद खान, कॉल माँ आयशा के बारे में थी, कॉल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अगर नूपुर शर्मा बयान नहीं देती, नूपुर शर्मा ने जला देंगे, क्यों दिया बयान, जला दिया जाएगा देश को, सरकार ने क्यों नहीं डाला, पेट्रोल पंप सरकार ने जेल में क्यों नहीं डाला, आड़ में न जाने क्या मंशा है लोगों की, बात करने पर एक लड़के को जेल हो जाती है तो नूपुर शर्मा को जेल क्यों नहीं हुई, इसका जवाब है आपके पास, जवाब दीजिए इसका जवाब है आपके पास, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। एक लड़के को शिवलिंग पर बोलने के बारे में जेल हो जाती है और यहाँ माँ आयशा को गलत शब्द बोल रहे हैं आप और जेल नहीं होती। शांत हो जाओ, डाउन करो, डाउन करो, डाउन करो। दीदी मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, बहुत देरों के बाद आपने मुझको बोलने का मौका दिया। देखिए यह डिबेट है, डिबेट को देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं। जिस प्रकार से रसीदी जी का भाव भाषा यह बहुत ही आने वाले दिनों के लिए गंभीरता की ओर ले जाने वाली है। रही नूपुर शर्मा जी की बात, तो नूपुर शर्मा जी ने किस परिस्थिति में यह भाव यह भाषा बोली? आप जो देश की सारी मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, आपका अवभव ही देश देख रहा है, सारी दुनिया नहीं देख रही आपका अवभाव, सारी मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढते फिर रहे हैं आप, आतंकवादी सारी मस्जिदों को टारगेट करते फिर रहे हैं, आपने ताजमहल को भी नहीं छोड़ा, ताजमहल को भी नहीं छोड़ा, आपने कुतुब मीनार को भी नहीं छोड़ा। मैं जा रहा हूँ, नहीं बैठना आपके यहाँ, देश नहीं देख रहा है, ऐसे आतंकवादियों की बात कर रहे हो जिसने अभी क्या कहा पता है आपको, ये लीजिए, बहुत बड़ी बात उसने कह दिया। इन लोगों को तो इतनी तमीज नहीं है कि टीवी पर बैठकर हम क्या बोले, इसके बारे में क्या कहे, आपने क्या कहा, मैं आतंकवादी हूँ इनकी नजर में, आप, मैं इनकी नजर में आतंकवादी हूँ और मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, ये तो देश की इंटेलिजेंस पर सवाल है, देश की सरकार पर सवाल है कि एक आतंकवादी आज तक के स्टूडियो में बैठा हुआ है और सरकार उसको पकड़ नहीं रही है, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बात पर, माफी मांगिए आप माफी मांगिए इस बात पर, कहाँ के महंत हैं आप भाई, किसने महंत बना दिया आपको, उनकी बात पूरी हो जाए, किसने महंत बना दिया आपको, पहले तो ये बताइए महंत का सर्टिफिकेट कहाँ लेके आए, हर किसी मुसलमान को, हर दाढ़ी वाले को जो आतंकवादी कह देंगे आप, शर्म कीजिए, ठीक है, शांत हो जाओ प्लीज, प्लीज, प्लीज।